हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में 365 बाती वाला दिया जलाने का विशेष महत्व है। इस दिए को जलाने से कभी भी घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, धन संपदा की कमी नहीं रहती है। और आपने अगर पूरे साल कोई पूजा पाठ भी ना किया हो, कोई दीपदान भी ना किया हो, उसका फल आपको 365 बत्ती वाले दिए को जलाने से संपूर्ण फल मिल जाता है। ये दिया कार्तिक महीने में जलाया जाता है। तो कार्तिक महीने की कुछ तिथियां आ रही हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उन तिथियों में दिए को जलाने का विशेष महत्व है। कौन सी वो तिथियाँ होती हैं, क्या क्या इसके नियम होते हैं, ये दिया कब जलाया जाता है, कैसे जलाया जाता है और इसकी बातें जो है वो कैसे बनाई जाती है और किसकी बनाई जाती है, तो वो संपूर्ण विधि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इसकी विशेष विशेषता है इस दिए की, तो आपने कभी भी कोई पुण्य न किया हो, इस दिए को आप ज़रूर से जलाएं। तो चलिए इस दिए को देख लेते हैं कि इसकी बाती हम कैसे बनाएंगे। बाती बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कलावा। कलावा ले सकते हैं या कच्चा सूत भी ले सकते हैं, जो वाइट कलर का आता है वो, क्योंकि 365 बाती बनानी होती है ना, तो फिर उसके लिए आपको 365 बाती एक साथ कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे इसके लिए आप कलावा लें। तो कलावे में क्या रहता है ना कि जैसे मोटा कलावा होता है तो उसमें जो लड़ी होती है यानी धागे जो होते हैं वो आपको काउंट करने होते हैं कितने हैं। जैसे कि इस वाले कलावे में आपको दिखा रही हूँ 12 धागे हैं और धागा जो आपने कलावा लेना है वो कॉटन का ही लेना है, टेरिकोट वगैरह का ना लें, सूत का लें या कॉटन का लें। तो देखिए मैंने जो है 12 धागे वाला कलावा लिया है, तो मुझे इसमें बाती जो बनानी है आप उसको डिवाइड करेंगे 365 / 12, तो निकलता है 30, 12 × 36 यानी 360 जो है बाती इससे बनेंगी, ठीक है ना। और 5 एक्स्ट्रा आप आधा राउंड लगाएंगे। तो यहाँ राउंड लगाना कैसे है इसका, ये देखिए आप अपने हाथ में ले लीजिए, ये चार जो उंगली होती हैं इनके यहाँ पर नीचे से आपको लेना है। तो यहाँ पे आपका एक राउंड कंप्लीट हो गया, तो ये दो बाती बन गई, ये दो हो गए, ये तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। यहाँ से शुरू करना है चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, ठीक है। मैंने दो पहले लगा लिए थे और यहाँ पर आधा ये, ठीक है, तो 15 हो गए, यानी हमें 30 लगाने थे, यहाँ 15 हमने इसलिए क्योंकि दोनों साइड में हैं, 15 इधर और 15 इधर, 30 हो गए। और आधा इधर लेना है किस लिए, क्योंकि हमें 365 बनानी है। तो इसमें से ना जो हमने आधा लिया है उसमें से ये, इसमें 12 लड़ी हैं तो इसमें से आपको 5 निकालनी है, जो आधा लिया है उसमें से आपको 5 निकालनी है, तो तब आपका ये 365 बनेगा। अब आपको कट कर लेना है इस तरीके से निकाल के, ये देखिए, तो दोनों साइड आपकी बत्ती बन गई, दोनों साइड आपकी बाती जो है बन चुकी है। अब दोनों साइड से आपको कट करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, यहाँ से कट किया, उसके बाद यहाँ से कट किया, ये देखिए इस तरीके से। और जो एक राउंड हमने आधा लिया था उसमें से हमें 5 बत्ती निकालनी है, यानी 5 जो है लड़ी वो निकालनी है और बाकी जो उसमें से निकाल देनी है, क्योंकि 12 थी तो 5 निकालेंगे, 7 हम अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये क्लिप मुझसे हो गई थी, मैंने इसको बांध दिया था वो निकाल करके, पता नहीं कैमरा बंद हो गया था क्या, तो वो बत्ती हमारी बनके तैयार हो गई। इसको एक अलग कलावे से बांध देना है। अब यहाँ पे सूत का मैं दिखा रही हूँ, तो देखिए सूत भी लड़ी वाले होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिला था, हमको सिंगल वाला ही मिला था। तो आप क्या करें कि अगर सूत भी ऐसा होता है जिस तरीके से कलावे में था, तो उस तरीके से आप वही डिवाइड करके कर सकते हैं, या सिंगल है तो आप इस तरीके से देखिए ये सिंगल सिंगल लपेट के 50-50 का यानी 100-100 का बना सकते हैं, ठीक है ना। तो 50 एक तरफ, 50 एक तरफ, तो 100 बन जाएंगी, ये देखिए मेरी 100 बन चुकी हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप 365 बना लीजिएगा, इनको भी कट करना है आपको दोनों साइड से, इस तरीके से बत्ती आपकी बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको बत्ती बना ली। कलावे की बत्ती बहुत ज़्यादा शुभ रहती है कार्तिक के महीने में, क्योंकि कार्तिक महीना माँ लक्ष्मी का भी महीना है, तो कार्तिक माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है कलावे की बाती से। तो आप अगर वाइट वाली यानी सूत की जला रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रोली वगैरह से या हल्दी से कलर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दिया आपको इस तरीके का भी लेना है, मिट्टी का भी ले सकते हैं, जो मैं दिखा रही हूँ इस तरीके का ले सकते हैं, या आप धातु का भी ले सकते हैं। और एक और मैं बताऊँ आपको, ये जो गोला होता है ना, इसमें अगर ये दिया आप जलाते हैं 365 का, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है, अच्छा होता है कार्तिक के महीने में। तो ये आपको गोला ऐसे नहीं कट करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से कट करना है, सीधा इस तरीके से कट रहा है, जैसे मैं आपको गोला रखी हूँ ना,
इशारा दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको सीधा कट करना है, दिए की शेप में आ जाएगा। मेरे पास कोई भी मतलब हमारे यहाँ लेडीज़ नहीं कट करती हैं, तो मेरे पास कोई था नहीं इसलिए मैंने कट नहीं किया है। और यहाँ पे आपको बत्ती बनानी है जो वो दीप में करके, मैं इसलिए दीप में जला रही हूँ अभी। तो आपको क्या करना है, इसको तिल के तेल से जलाना है या घी से जलाना है। सरसों के तेल से आपको दिया नहीं जलाना होता है, तिल के तेल से या घी से, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अच्छे से इसको डिप कर लीजिएगा, बांधना ज़रूरी है क्योंकि इधर उधर इसकी जो बत्ती है वो बिखरे नहीं, 365 बत्ती एक साथ जलें। उससे पहले आपको क्या करना है, दिए का पूजन करना होता है। जब भी हम कोई दीप जलाते हैं तो उसका पूजन करना ज़रूरी होता है, उसको आसन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दीप का जो भार होता है ना वो माता रानी पृथ्वी माता सहन नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए आपको आसन देना हो ज़रूरी होता है। तो आसन देने से पहले आपको स्वास्तिक बना लेना है, और उसके ऊपर पूर्ण स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर आपको तिल का आसन दीजिए या फूलों का। इनमें ना चावल नहीं चढ़ाए जाते, तो चावल का आसन ना दें आप, तिल का आसन दें या फिर आप फूलों का आसन दे सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ चढ़ा के दिखाई हैं आपको। उसके बाद आपको दीप रख देना है जो आपने तैयार किया था, या तो गोले का मतलब जो सूखा गोला होता है उसका भी बना सकते हैं, या फिर आप ऐसी मिट्टी के में भी जला सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इसको प्रज्वलित करना है। तो देखिए मैंने माचिस से जला के दिखाया, तो थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि मोटी बाती होती है। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप क्या करें, इस पर थोड़ा सा कपूर रख दें इसके ऊपर, और फिर आप, वैसे तो दीप प्रज्वलित हो गया था मेरा, लेकिन मैं आपको दोनों तरीका दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप कपूर रख करके थोड़ा जलाएंगे तो वो जल्दी जल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप दीप प्रज्वलित करिए दीप का। अब हमें करना है पूजन, तो दीप का पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब इस तरीके हम दीप जलाते हैं तो पूजन ज़रूर करें। तो यहाँ पे आप रोली से टीका कीजिए दीप के, और यहाँ पे आपको चावल नहीं चढ़ाना होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आप तिल चढ़ा सकते हैं सफ़ेद, तो आप थोड़े से दीप में तिल डाल दीजिए। बहुत सी जगह डाल देते हैं चावल, खील डाल देते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को कार्तिक के महीने में चावल बहुत से लोग नहीं चढ़ाते हैं। तो अगर आप क्या चढ़ाते हैं चढ़ा सकते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन आप चावल ना चढ़ाएं। तो यहाँ पे इस तरीके से दीप में तिल डाल करके फिर थोड़ा सा जल लेकर के दीप के चारों तरफ आपको घुमाना है और दीप को पूज लेना है। अब आप इस दीप को जला कहाँ सकते हैं, तो देखिए ये दीप आप एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक डेली भी जला सकते हैं। और जो विशेष तिथियाँ होती हैं, जैसे आंवला नवमी हो गई, एकादशी हो गई, कार्तिक पूर्णिमा हो गई, नरक चौदस हो गई, इस पर आप इस दीप को ज़रूर जलाएं। आप 5 जलाएं, 7 जलाएं, 11 जलाएं, जितने भी चाहें उतनी जलाएं, क्योंकि हमने कभी अगर नहीं भी दिए जलाए होंगे तो हम ये 365 बाती वाला दिया जलाएंगे, तो पूरे साल का पुण्य हमें इससे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं तुलसी दीप जला रही हूँ अभी। तो देखिए इसको आप मंदिर में जला सकते हैं, देहरी में जला सकते हैं, जैसे कि आपने कभी नहीं किया है वो आप ज़रूर करिएगा, लगातार 5 दिन जलाइएगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं एक दिन कहीं जला दिया, एक दिन कहीं जला दिया, तो आपके ये पूरे साल के दिए जो है कम्प्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जलाना है, यानी आरती करनी है। जहाँ भी आपको जलाना है, अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं, और नदी पे आप ज़रूर जलाइएगा इस दीप का, जो है ना नदी पे भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो आप इस तरीके से दीप को जला सकते हैं, ज़रूर जलाइएगा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।